एक नई दुनिया है और टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया के हर कोने से मिलाकर एक कर दिया है। हमें रास्तों की कमी नहीं, तमाम आलम हमारी उंगलियों के सिरों पे है। वाकई हमारी उंगलियों के सिरों पर। मुझे अब घर वालों के साथ रिमोट पे झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी वीडियोस कहीं भी और कभी भी देख सकती हूँ। हम ही मुस्तकबिल हैं और हमारी आवाज असर रखती है। रिवायती सहाफत अब सिर्फ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में फैले हुए नौजवान ब्लॉगर्स आज बहुत ताकतवर हैं। आज की नस्ल दुनिया बदल रही है। वो अपना मुस्तकबिल खुद तश्कील दे रहे हैं। आज की दुनिया चंद चैनल्स और चंद अखबारों तक महदूद नहीं। खबरें, मालूमात और तफरी की खातिर अब ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। हमारी आवाजों को सुना जाना चाहिए। हमें निजाम का हिस्सा बनना है। हमें कानून साजी का हिस्सा बनना है। speakforchange.org और 247online.tv आपको वो आवाज देते हैं। 247online.tv एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अल्फाज को एक शक्ल, एक चेहरा और आवाज दी जाती है। आइए एक नजर डालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कमजोर पड़ गए। उसके बाद पाकिस्तान ने अवाम की जो ख्वाहिशात थी उसकी अक्कासी करते हुए नेटो की सप्लाई रूट। क्या पाकिस्तान से जब बंद हुआ तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि अब ज्यादा या उज़्बेकिस्तान से आता है। भुट्टो साहब के जमाने की पार्टी में और आज के जमाने की पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। फैसला ये आपने करना है कि हम यही सिस्टम बरकरार रखना चाहते हैं या सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। कि जम्हूरियत तभी है जब ये हैं। अगर देखे ना, इनके पास और तो कुछ है नहीं बात करने को। मिसाल के तौर पर अगर ये होते कि चार साल में हमने रेलवे को ये पहुंचा दिया, हमने लोगों को रोजगार दे दिया, एक साल साल कुछ सस्ता है या नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू को रिजेक्ट कर चुकी है। तो कोई नई बात नहीं है कि एमकेएम जो है वो इन तमाम इल्जाम को जो है फेस कर रही है। 35 साल में मीडिया से वाबस्ता रही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाल भी का नहीं हुआ। हमारा अलमिया ये है कि हम माशी तौर पे अगर बर्बाद हो जाते हैं तो कोई बात नहीं था। जमहूरियत के नाम पे हर चीज कुर्बान है। पाकिस्तान इज नॉट एंड इन इटसेल्फ। जैसे ही मंसूर एजाज साहब ने आने से इनकार किया, वैसे ही वजीर आजम साहब ने अपना फौज के खिलाफ बयान तकरीबन वापस ले लिया। होना तो है हमारे साथ, अदालत हमें करे और हमें घर भेजे और हम फिर आके कहें जी कि हमने बहुत काम कर दिया। मैं यहाँ आई हूँ 18 अक्टूबर 1949, यानी मैं 18 साल। He gives you all rights. हर चीज जो गलत है सब, it comes from a kind of cult. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। एक तो बहुत खुशी है मुझे पता चल के कि ये नया इनिशिएटिव आपने लिया है। I basically had my ideas about Pakistan through the media. Even agar aapne apna viewpoint dena hai to bahut gently dena hai. Sounds cliche to say this, but there's much more to the story than that. Some countries like Pakistan, which are in a process of democratic consolidation or change. और ऊपर से हमारे पाकिस्तान के सूरज के अंदर इतना एफिशिएंट है कि मेरा तवा तक जल गया था। बात अगर सेक्सुअल हरासमेंट की है तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक दिन भी खाली जाता है जब मैं कोई फजूल किस्म का मैसेज ना रिसीव करूं किसी से। किसी तरीके से असरअंदाज हो सके और इनकी सोच में वो चीजें ला सके जो लोगों की जरूरियात हैं। हम चारों ने मिलकर नुक्ता एक्ट निकाला 6 साल पहले। तो हम शायद बुजदिल लोग हैं कि हम नारा नहीं बुलंद करते, लेकिन हम उस रास्ते से आते हैं। कप्तान था एंड ही वाज वेरी एक्टिव। सर, डिस्टरबेंस को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो औरत अपना काम ही छोड़ दे। मगर उन्होंने भी बंगालीज के हुकूक की बात किया। ऑफ कोर्स सिंध में और सिंध के बियॉन्ड भी इनकी बहुत अपील है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी प्रोफाइल्स की एक नई एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। टेलीविजन पे स्टार नहीं होता, टेलीविजन पे एक्टर्स होते हैं, स्टार्स नहीं होते। तो वो सिलसिला मेरा शोबिज से कनेक्ट ही रहा है फ्रॉम माय चाइल्डहुड, क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ और सोचा ही नहीं। डिटर्मिनेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग
आपका एक फैक्टर है, टूल है। हमारे जो पुराने जो रहनुमा थे जिन्हें हम समझते हैं, जिसमें हसरत मोहानी, कायदे आजम और यानी और तमाम लोग, एक तो मैं दूसरे की बात तवज्जो से सुनता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर कोई मेरी इल्म में इजाफा कर सकता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मायूस ना हो, इस अवाम का सबसे बड़ा सरमाया इस मुल्क की अवाम है, बिलखसूस इस मुल्क की नौजवान नस्ल है। हमें चेंज लानी है लेकिन कैसे लानी है, दैट इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स दैट they don't have. I was not allowed to leave my home and I was bored most of my time. Things can go and come but nobody can take your strength away. One of the things that makes a successful person has to be a combination of their upbringing, their education and their values. But racing, like you said, was a sport which I think every child, even male and female, loves. We all like fast cars and driving as soon as we can. I always admired Jinnah, his law and you know how he saved people. Right. I love to say that instead of giving me toys to play, my parents used to give me plants to play with. Kehte na aankhon se समझ लेना बातों से कोई था रहता है सांसों में। Yeah, I just got involved with education really not by choice but just by who I was maybe. Why are married men in Pakistan so intimidated by their women? Journalist is jo like what fax machine is to email. एक ज़रदारी सब पे भारी वो नारा है जो पीपल्स पार्टी के जियाले लगाते हैं। चलो एक कॉस्मोटोलॉजिस्ट कैसे सोचता है आपको पता होगा ना? नहीं मैं सोचता हूँ you have to look at the sizes. अभी जो पार्टी जो इंडक्शन में हो रहे हैं, तुम लोग के साथ मैं क्या बहस करूं यार, तुम लोग को आदत पड़ गई कि लोटों को घुमाने की। The world is looking towards Imran Khan. टॉप लीडर चोरी करता है तो नीचे नीचे सब जाके चोरी करता है। मैं जानता हूं कि हुसैन अकानी ने रेजिग्नेशन क्यों दी, आप भी जानते हैं, ठीक है, उनको अपनी पार्टी की साख को बचाना था मगर और डेमोक्रेसी की साख को बचाना था। आई थिंक आई मीन ऑनेस्टली व्हेन यू लुक एट द यूएस एंड यू लुक एट द स्पेस राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स दैट आर लुकिंग, इंडिया इज अ रियली ग्रेट मार्केट एज सो इज लैटिन अमेरिका लाइक ब्राजील एंड मेक्सिको। मतलब तुम रोए जा रहे हो, चार साल से कि एक पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा, अब लगा रहे हैं। फीता काटने हर एक जाता है ना यार, फीता काटने के लिए आप 2 करोड़ रुपए यार आप भीख मांग रहे हैं। आई गिव अप ऑन आई डोंट नीड। तो फिर आप बैठ के सुने, नो स्मोक विदाउट फायर, तो कुछ तो है। अगर उनके कहने पे इस्लामी मजहब के ठेकेदार जो है उन्होंने कहा ना साहब नहीं, इसमें मजहब डिक्लेयर होगा पासपोर्ट के। डिमांड क्या है परवेज मुशर्रफ साहब के लिए? सर हमला लग रहा है उनके लिए, बिल्कुल सेट है। सीम की डिमांड थी कि एनआरओ कर लो, सीम की डिमांड थी 35% जाली वोट डलवा दो। मीडिया जो है एक रिस्पांसिबिलिटी होती है मीडिया की, और मैं खा में इस वक्त जो है मीडिया हद से बाहर निकल के वो मतलब बस अपनी रेटिंग्स को कमाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त एक बस में सफर कर रहा हूँ, बड़ी बेहतरीन एयर कंडीशन बस है। शादी से पहले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिलों से पहले इस टेस्ट को लाजमी कर दें। पहले हम गोश का काम करता था, बड़े बड़े जानवर गिराता था। अच्छा, अभी हम खुद गिरा हुआ हूँ। तो लाइसेंस है जी? खाएंगे अभी तो नहीं है लेकिन है लाइसेंस। हम ऐसे आदमी को वोट देंगे जो पूरा आवाम का ख्याल रखे। किसको देने का सोचा है वोट? इमरान खान। हमारे मुल्क में कोई भी शख्स अपने आप को नहीं देखता, दूसरे पे बड़ी जल्दी तलकीन करता है। तो मुझे तो मेरी हुकूमत मुझे मजबूर कर रही चोरी करने के ऊपर। सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जमहूरियत है या बादशाहत? बादशाहत है मेरा। तेल बनाते हैं यहाँ पे, सांप होते हैं, ये सांडो होते हैं, इसको काट देते हैं, इसकी चर्बी निकाल देते हैं, 14 जड़ी बूटी होते हैं, वो डाले होते हैं, दर्दों के लिए होते हैं, जोड़ों पटों में दर्द होते हैं, फालज होते हैं, जिस्मानी कमजोरी होते हैं। पूरी जो इन्होंने फुटपाथ है, इन तमाम कंपनीज वालों ने
अपनी गाड़ियों के लिए मखसूस कर ली हुई है। क्या ये वाकई ड्रग बेचने वाले सिर्फ पठान होते हैं? नहीं, लाजमी नहीं है, सारे होते हैं जी, हर कुम के मौजूद हैं। ग्रीन बसेस क्यों नहीं चलने देते? क्यों नहीं चलने देते? क्यों बंद हो जाते हैं? भाई इतनी फैसिलिटी नहीं है, उसका सामान नहीं है कराची में, ना मिस्त्री है ना कुछ, स्पेयर पार्ट्स तो लाओ उसका। तो एक बात तो बताओ, ये कचरा जो सारा फेंका है तो इसका डस्टबिन नहीं नजर आ रहा? हाँ, 16 दिसंबर को कुछ याद है क्या हुआ था सर आपको? कुछ याद है? नहीं यार, सॉरी जी, मैं आउट ऑफ कंट्री था इसलिए मुझे नहीं मालूम। Us girls, we overdo a lot of things in our life. कब तक हमें मारते रहोगे? कब तक बेटी की कोशिश में बेटियां बर्बाद करते रहोगे? We all have something about us that we should change. Mm-hmm. We get hit and we lose 28 of our brothers. जो लोग ये समझते हैं कि हम कोई खाई भी मुर्गी हैं, तो वो मुर्गी का भाव जरा जान लें। माँ बहनें हैं घर में, लेकिन शर्म नहीं है बिल्कुल भी। Why do you make promises to a girl when you already know that your parents are not going to approve? Is this our war? Is this what you call friendly? Like, I wouldn't want anyone to have my Facebook password, and I wouldn't want anybody else's Facebook password. Zindagi mein aur bhi kaam hai ladkiyon ko chhedne ke alawa, bhai pad lo, kuch seekh lo, paisa kama lo. Wo zyada kamata hai, tum kam kamate ho. Jitne bhi highly educated ho jaye, they stick to their beliefs. छोटे बच्चे तो आप हैंडल कर लेते हो, बड़े बच्चे उनके प्रॉब्लम्स ही और। फाइनेंशियली डिप्रेशन आजकल बहुत हो रहा है, जुल्म सहने वाला ज्यादा खराब है। जब भी किसी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा डेंगू आता है तो लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। बच्चे की अगर शुरू से हेयरिंग नहीं होगी तो वो बोलना नहीं सीख सकेगा। 54 लाख अफराद सालाना सिर्फ तंबाकू की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ की प्रिपरेशन सिर्फ इतनी होती है कि तुम खाना पकाना सीख लो, आगे जाके क्या करोगे। Entrepreneurship is something else and entrepreneurship is something completely different. NATO killed 25 of our soldiers. छुट्टी क्यों है और नहीं होनी चाहिए? A lot of businesses are successful because of these social networking forums. No, why are you stuck? Majority of the people सस्ती शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। Veera Malik has brought us into the limelight once more. Talent हमारे पास है, actors हमारे पास है, sounds हमारे पास है, music हमारे पास है, तो हम end of the day final product क्यों नहीं निकाल पा रहे? Wishing all our viewers a Merry Christmas and a very Happy New Year. कुत्ता कितना नाराज होता है कि आप इंसान को कुत्ता कह रहे हैं? वो कहाँ के animal rights वाले? Now they don't jump in. What was the prediction for 2012? War. There are code of conduct. Of course. Vienna Convention tells you that. Not even Facebook. I think Twitter was a game changer. This is freedom of speech. I think the internet changed a lot of fabric of politics. Let's go beyond religion. Okay. It's decency problem. Yeah. The US cannot afford to go into another war. That's exactly when they go into war. Welcome to our Hamawam. जुडिशरी का बेसिक फाउंडेशन फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है हम आवाम के ऊपर। तो पब्लिक के मसाइल तो हल नहीं हो रहे, जो आदमी जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ तो नहीं मिल रहा। अच्छा, बिल्कुल। और ये देखिए, जब तक कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, जिस तरह हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, टॉप ऑपोजिशन को, ये ऑपोजिशन का काम है कि जो गवर्नमेंट को चेक करें और गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर डालें। If you give up, it's basically committing a suicide. This web TV is the next big thing. Ye bhi opportunity, ye bhi opportunity, ye bhi opportunity.